भारत के सभी किसानों को कॉटन गुरु का सादर नमन। अगस्त 2019 में हैं हम अभी, और कॉटन की सोइंग फ़िलहाल तो अच्छी हो गई है। जून महीने में बारिश कम होने के कारण सोइंग थोड़ी कम हुई थी, और डिलेड सोइंग भी हुई थी, थोड़ी देरी से हुई थी, तो 30% सोइंग कम दिख रही थी जून महीने में गत वर्ष के मुकाबले। पर जुलाई महीने में अच्छी बारिश होने की वजह से सोइंग में अच्छा मूवमेंट हुआ है, और आज की तारीख में मतलब 9-10 अगस्त 2019 को हम देखें तो 118 लाख हेक्टर में कपास की सोइंग हो चुकी है, और गत वर्ष इसी समय 112 लाख हेक्टर में हुई थी। तो लास्ट ईयर से गत वर्ष से हम सोइंग में आगे हैं, और गत वर्ष हमने 123 लाख हेक्टर में टोटल कपास की सोइंग बुआई देखी थी, जो इस साल 123 से 125 लाख हेक्टर में कपास की बुआई होती हुई हमें दिख रही है। अब कपास की बुआई तो इतनी अच्छी हो गई है या हो रही है, पर आगे उत्पन्न यील्ड का क्या होगा? गत वर्ष बारिश कम होने की वजह से यील्ड बहुत ही कम आया था। भारत में यील्ड 450 किलो प्रति हेक्टर से भी कम है, जो विश्व का एवरेज 750 किलो प्रति हेक्टर है। गत वर्ष में बारिश की वजह से यील्ड कम आया, उसके अगले साल में पिंक बॉलवर्म की वजह से कम आया, नॉर्थ इंडिया में वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का रोग, और महाराष्ट्र और तेलंगाना में गुलाबी बॉलवर्म का रोग, ये काफ़ी नुकसानकारक रहे थे 2017-18 में, और 2018-19 में बारिश का कारण है। इस साल अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश जुलाई और अगस्त महीने में बहुत से एरियाज में हुई है, तो कहीं यील्ड में नुकसान न हो, उत्पन्न में नुकसान न हो, ये देखना आपका काम है किसान भाइयों। क्योंकि अगर यील्ड में नुकसान हुआ तो इस साल आपको दुगना नुकसान होगा। कारण मैं बताता हूँ, गत वर्ष आपका यील्ड कम आया, भारत में क्रॉप सिर्फ 312 लाख गटान का होगा ऐसा अनुमान है, पर कपास के भाव बहुत अच्छे रहे थे। MSP में सरकार ने 25-26% की बढ़ोतरी की थी, और बाज़ार का सपोर्ट होने से किसान भाइयों को 6000 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल कपास के भाव भी मिले थे मार्च के बाद अप्रैल मई महीने में। शुरुआत में अक्टूबर महीने में 5800 से लेकर 5900 तक के भाव मिले थे, लेकिन 2019 में शायद ये मुमकिन ना हो पाए। फिलहाल संजोग ऐसे लग रहे हैं कि कपास का भाव अक्टूबर 2019 में MSP पे ही चलेगा। आज जिनर की, जो आपके ख़रीदार हैं, आपके उपभोक्ता हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वे बहुत नुकसान कर रहे हैं, सामने स्पिनिंग मिल वाले भी नुकसान कर रहे हैं, निर्यात इतनी अच्छी नहीं हो रही है और आयात बहुत हो रही है, तो कपास की रुई की आयात होना ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी निशानी नहीं है। तो आपके बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो कपास के भाव पे निर्भर करेंगे, और कपास के भाव हमें कॉटन गुरु को ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी ना हो तो इस साल इमीडिएट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें तेज़ी नहीं जच रही है। तो अब आपने कपास लगा लिया है, अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कपास की गुणवत्ता क्वालिटी बहुत अच्छी रहे इसके लिए बहुत ध्यान करना है, और उत्पन्न उसका यील्ड किसी हालत में कम ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर तो यील्ड ने मारा पर भाव ने बचा लिया था। इस साल अगर यील्ड ने आपको उत्पन्न ने मारा तो और भाव ना बचा पाए तो इस साल आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। तो कपास की खेती में नुकसान से बचने के लिए अपना एक एक किलो, एक एक कपास का बॉल किस तरह बच सकता है ये देखिए। आज हमें कुछ एरियाज़ में ऑलरेडी पिंक बॉलवर्म देखने मिला है, धुले, अकोला, यवतमाल, इन एरिया से रिपोर्ट हमारे किसान भाई हमें दे रहे हैं कि भी पिंक बॉलवर्म ऑलरेडी उन्हें दिख रहा है, बहुत ही कम मात्रा में है, पर है ज़रूर। ये बड़े उससे पहले आप सावचेत हो जाइए, आप सचेत चौकन्ने हो जाइए, अपने खेतों में जाइए, रोज़ मुआना कीजिए, रोज़ चेक करिए, किसी हालत में ये रोग आपके खेतों में आना नहीं चाहिए, और आए तो बढ़ना नहीं चाहिए, इस पर ध्यान रखना है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सफ़ेद मक्खी का रोग वापस कुछ एरिया में दिख रहा है, वहाँ के किसानों को इससे सजाग रहना होगा, और जितना हो सके प्राइमरी बहुत ही कम खर्चे के उपाय में आप अभी निकल पाएंगे अगर पहले स्टेज पर पकड़ लिया तो। आगे अगर बढ़ गया, अगर दूसरा स्टेज क्रॉस कर गया, खर्चे भी बढ़ेंगे और नुकसान भी होगा।
तो किसान भाइयों, बाजार के बारे में अभी तो मंदा लग रहा है, व्यापार युद्ध के कारण सभी की हालत बहुत ख़राब है। आपकी जो सप्लाई चेन है, आपका जिनर, आपका मिल वाला, आपका व्यापारी, सभी की हालत फ़िलहाल तो बहुत अच्छी भारत में भी नहीं है, विदेश में भी नहीं है। सटोड़िए मंदी का व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब चिन्ह मिला के ये एक पिक्चर हमें दिख रहा है कि आगे के 4-5 महीने तेज़ी आना बहुत मुश्किल है, सिवाय के कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन सरकार ने आपके लिए MSP अच्छी खासी बढ़ा के रखी है, तो अगर आप कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले पाते हैं तो आप MSP में भी 2 पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। तो कॉटन गुरु की तरफ से आपको नए सीज़न के लिए शुभ मंगल कामना। आगे का अपडेट हम आपको रेगुलर देते रहेंगे।